subscribe and click the bell icon for television updates. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीबाइट्स में और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त काजल सिंह। दोस्तों आज हम आए हैं महाराजा भोग में क्योंकि आज है एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी का हैप्पी वाला बर्थडे। मैम टेलीबाइट्स की तरफ से विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच टेलीबाइट्स के सारे दर्शकों को, मेरे फैंस को थैंक यू वेरी मच। और मैं अपना स्पेशल सा बर्थडे स्पेशल महाराजा भोग में आई हूँ और चल रहा है फेस्टिवल आमरस का और कहा जाता है कि यहाँ अनलिमिटेड है, तो आप तो समझते हो मारवाड़ी लोग तो फिर इंजॉय करना है। मेरे साथ आई हुई है पूजा की मम्मी, पूजा मतलब इमली बीननी जिसने दिया और बाती में मेरे साथ काम किया है, ये उसकी सिस्टर है। Hello. ये मेरी डॉटर है, ये मेरा सन है एंड महाराजा भोग में हमारी पूरी फैमिली आई है राजस्थानी थाली इंजॉय करने के लिए एंड अमरस खाने के लिए। क्योंकि मैम आपने बहुत सारे बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं अब तक, कितने अच्छे अच्छे तोहफे मिले और आज स्पेशली आज के दिन क्या कुछ खास तोहफा मिला है फैमिली की तरफ से, फैमिली में? एक्चुअल मैं बताऊँ, काफ़ी साल से बर्थडे मनाए, सेट्स पर मनाए, बट ये आई थिंक मेरा फर्स्ट बर्थडे होगा जहाँ मैं अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ स्पेशल टाइम इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब यूज़ कर पा रही हूँ, वरना तो मौका नहीं मिलता है। केक काटा घर में, बाइट्स दी और भाग लिए, बट आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम है जो फुल डे इन्जॉय करूँगी एंड रियली थैंक्स टू महाराजा भोग की अपॉर्चुनिटी दी एंड थैंक्स टू नेहा ऑल्सो टू गिविंग मी दिस स्पेशल अपॉर्चुनिटी, थैंक यू वेरी मच। मैम इतनी अच्छी अच्छी डिशेस हैं बट मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है जिसे खाने आप स्पेशली आई हैं? एक्चुअली मैं राजस्थानी खाना खाने के लिए आई हूँ, यहाँ मेरी सारी फेवरेट मुझे मिल रही है। देख लीजिए आमरस है, बहुत यम, ये मालपुआ और ये दाल का हलवा, ये बहुत कम टेस्टी बना पाते हैं लोग, मिलता होगा बट राजस्थान से मिलाती थी और इसको जब शूटिंग पे जाती थी राजस्थान से लेकर आती थी और दो दो तीन तीन दिन तक ऐसे फ्रिज में रख के गर्म करके खाती थी। तो ये सारी चीज़ें ना मैं चाहती थी मैं अपने बर्थडे को स्पेशल मनाऊं, तो आई थिंक वो वाकई बन रहा है, इट्स सो टेस्टी। देखिए मैं करेला खा रही हूँ जबकि बहुत मुश्किल होता है बट मुझे फील नहीं हो रहा, इट्स सो टेस्टी, सो यमी। ओके मैम अगर इन डिशेज़ की बात करें तो आप ऐसे फ्री टाइम में कौन सी डिश बनाना पसंद करेंगी घर पे अगर ट्राई करना चाहेंगी तो? मैं पनीर बनाती हूँ, गट्टे की सब्ज़ी बनाती हूँ, कड़ी पकौड़े बनाती हूँ, डिशेज़ तो बनाती हूँ मैं बहुत सारी बिकॉज राजस्थानी है ना। लहसुन की चटनी आप कभी खा के देखिए क्या मज़ा आएगा, देखिए ऐसे बहुत। मैं इसी के लिए आई थी और मैं बिल्कुल इन्जॉय कर रही हूँ और क्या मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरा सारा ध्यान खाने पे है मैं खाने पे टूट पड़ी हूँ। हमारा ध्यान आपकी बातों में है, हाँ इसलिए कि आप बोल रही हैं ना ये लहसुन की चटनी है, फिर हम खाना शुरू किए उसके बाद बोली पहले बोली करेला है, तब पता चला कि ये करेला है, रियली वो करेला नहीं चलता कि करेला है ना, वो तो बाबूड़ से बोला तब जी गाइस क्या करेला है, हां यहां की स्पेशलिटी होती है। तो मैम आपने इतना यम्मी फूड खाया तो आपको कौन सा फूड जो है एक बहुत ज़्यादा पसंद आया? मुझे खाना तो सारा ही पसंद आया बट अमरस तो लाजवाब है, शब्द नहीं है मेरे पास में।
मैं थैंक्स कहूँगी फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर महाराजा भोग के मिस्टर आशीष महेश्वरी जी को इतना स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए रियली एंड मेरा बर्थडे स्पेशल मनाने के लिए. थैंक यू वेरी मच. ओके मैम, अगर हम बात करें दिया और बाती हम के स्टार कास्ट के बारे में, तो उनको कितना मिस कर रही हैं आप? क्योंकि इतने बहुत मिस कर रही हूँ. मेरे साथ पूजा की मम्मी है जो इमली बीननी बनती थी. मतलब अगर वो यहाँ होती तो वो इतना इन्जॉय करती, बट उसकी थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ आ गए तो इसलिए नहीं आ पाई. बट रियली आई एम मिसिंग देम, और मेरी पूरी दियाबाती टीम मिस करेगी ये खाने को. ओके, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में हम आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं? बिकॉज अब फैंस यू नो मिस कर रहे हैं कि कहाँ. यस यस, हम बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी क्योंकि टाइटल अनाउंस नहीं है तो इसलिए मैं अभी ओपन नहीं कर सकती. स्टार प्लस के लिए भी आऊँगी और बात चल रही है कलर्स के लिए भी. लेट्स सी सबसे पहले कहाँ आ पाती हूँ, बट बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ से ही आपको नज़र आऊँगी मैं. ओके, थैंक यू सो मच मैम, एंड वंस मोर विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. थैंक यू वेरी मच.